और दिल्ली में सीएनजी की बढ़ी कीमतों के कारण जहां सड़क पर एक तरफ ऑटो और टैक्सी चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हड़ताल में शामिल नहीं होने वाले ऑटो टैक्सी चालकों को रोक रहे हैं। और इसका असर अब सीएनजी पंप पर भी दिखने लगा है। जहां आमतौर पर सीएनजी पंप पर सामान्य दिनों में लंबी लंबी लाइनें होती थी, आज वहाँ एक तरह से कहें तो सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां हड़ताल से पहले सीएनजी पंप पर ऑटो और टैक्सी चालकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, अब वहां पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। परेशानी तो है ही, हर एक चीज़ कॉस्टली होगी, हर एक चीज़ महंगी होगी। और सीएनजी और पेट्रोल का जो डिफरेंस है, और आप डीजल और अभी देखो सीएनजी के डिफरेंस में ज़्यादा फर्क नहीं रह गया, तो फिर लोग सीएनजी पे क्यों जाएंगे, डीजल इंजन पे जाएंगे जनरली। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जो रेगुलर चलने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी चीज़ दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हर एक चीज़ का किराया बढ़ेगा, डीटीसी बस का किराया बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का किराया बढ़ेगा, लोडिंग गाड़ियों पे भी असर पड़ेगा, जैसे बिजनेस के लिए लोग जो रूल्स करते हैं या फल सब्जी इधर उधर से लेके जाने के लिए, हर एक चीज़ पर इस चीज़ का प्रभाव तो पड़ेगा ही। बहुत कम नहीं आता, बहुत लंबी लाइन है भाई, अब तो एक नहीं दो दो लाइन लगी रहा थाने तक, अब थाने तक 10-5 गाड़ी। अब भी रिलैक्स लग रहा है? हाँ, नहीं तो ऐसे रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता हो। नहीं, यहाँ तो पागल बन जाऊँ भाई साहब। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।